हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है और साथ ही इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है? आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। और इसको हम इसकी डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे? तो हमारे पास में फॉर्मूला है आई इक्वल टू 1/2 सम ऑफ एम आई जेड आई का स्क्वायर। यहाँ पर एम आई क्या है? मोलिलिटी ऑफ आयन आई, एंड जेड आई क्या है? चार्ज ऑन आयन आई। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, इट इज़ गिवन एज हाफ ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द मोलिलिटी ऑफ ईच आयन बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंसी। मीन्स हमने क्या करा, यहाँ पे हाफ लिया ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग मोलिलिटी बाय इट्स स्क्वायर ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है, इन अदर वर्ड आयनिक स्ट्रेंथ इज द कम्युलेटिव मेजर ऑफ बोथ चार्ज ऑन द आयन एज वेल एज द कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है मोलिलिटी आयनिक स्ट्रेंथ का। और उसके बाद में जो है, ये द कंसेप्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट कैन नॉट बी अप्लाई टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली जो होते हैं डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसलिए इफ़ वी कंसिडर ए सोल्यूशन विच हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन, देन आयनिक स्ट्रेंथ कैन बी गिवन एज। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा आयन हो हमारे पास में तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 m1z1 का स्क्वायर प्लस m2z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है फ्रॉम यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हम कैसे लिखेंगे। जैसे NaCl KCl के लिए द एक्सप्रेशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ विल कंटेन ओनली टू टर्म्स, दैट इज़ 1/4 cation एंड 1/4 anion। तो यहाँ पे हमने आई जो है आयनिक स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे, 1/2, यहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे केटाइन के लिए, तो एम प्लस जेड प्लस का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे हम एनायन के लिए एम माइनस जेड माइनस का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर ये तो था हमारे पास में यूनिवेलेंट, अगर हमारे पास में यूनिवाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे Ab2, तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी गिवन एज Ab2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के ऊपर आएगा 2+ चार्ज एंड 2b-। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू होगा 1/2 MaZa का स्क्वायर प्लस 2 MbZb का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से 4a बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट मतलब कि 8 और 2 हो यानी बाइवेलेंट हो, और बी क्या है 3 यानी कि ट्राइवेलेंट। तो A2B3 को हम कैसे लिखते हैं, 2A3+ और 3B2-। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ होगी हम उसको कैसे लिखेंगे, 1/2 2MA। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसकी जो हमारे पास में मोलिलिटी होगी सबकी क्या होगी, ये इसकी जो मोलिलिटी होगी हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जो मोलिलिटी होगी हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 है तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी जो इस पर चार्ज है उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी है या फिर जो चार्ज है उसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जेड ए का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा जेड बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, वैन डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है, और एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, और किसके इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन के, हैंस एक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगी कंसंट्रेशन, और इसी कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। बट वैन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है, तो एक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्टिविटी होगी वो कंसंट्रेशन से कम होगी, और ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक है, आइडियलिटी एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय आयनिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जो है आयनिक स्ट्रेंथ की हेल्प से हम जो है आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आयनिक स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे को कैलकुलेट करना है द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 mole ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड 0.1 mole ऑफ सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.1 mole ऑफ BaCl2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन कराएंगे BaCl2 का। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Ba2+ + 2Cl-। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास में क्या दे रही है, मोलिलिटी 0.1, तो हर जगह हम क्या लिख देंगे 0.1 और 0.1। अब इसके आगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, इसके आगे हमारे पास 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो इसके लिए हमारे पास निकल के आएगी 0.2। अब हम लिखेंगे आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास में आई इक्वल टू 1/2। ठीक है, एम, दो आयन है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें हम लिखेंगे एम प्लस जेड प्लस स्क्वायर और प्लस एम माइनस जेड माइनस का स्क्वायर। तो आई हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एम प्लस हमारे पास में क्या है 0.1, एज इट इज़ लिख देंगे 0.1 मल्टीप्लाई में हमारे पास में जेड प्लस का स्क्वायर क्या है, जेड हमारे पास में है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर।
प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम माइनस है 0.2 और जेड माइनस क्या है, केवल एक है, 1 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, आप माइनस 1 का स्क्वायर भी कर लो तो भी एक चीज़ हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, 1/2 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 0.2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 0.4 प्लस 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 0.6 जो कि हमारे पास में इक्वल टू आएगा 0.3 के, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आयनिक हमने स्ट्रेंथ निकाली। इसी तरह से दूसरा जो आयन है, दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, 0.1 मोल ऑफ Na3PO4। तो इसको पहले हम डिसोसिएट करेंगे Na3PO4 को, तो ये डिसोसिएट होकर देगा हमारे को 3Na+ आयन, प्लस हमारे पास में होगा PO4 3-, ठीक है। तो इस तरह से है, अब हमारे पास क्या है, इसकी मोलिलिटी 0.1 है, सब जगह हम क्या लिख देंगे, 0.1 0.1। यहाँ पे इसके आगे 3 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.3। इसके आगे कुछ नहीं है तो एज इट इज़ को रहने देंगे 0.1। तो हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये दो आयन है हमारे पास में, तो 1/2 कर देंगे, और केटायन पे हमारे पास में केटायन की हमारे पास मोलिलिटी कितनी है, 0.3, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना है, +1, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास में क्या है, प्लस PO4 3-, तो यहाँ पे इसकी मोलिलिटी कितनी है, मोलिलिटी इसकी जो है 1 है, 0.1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर चार्ज यानी कि -3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास में क्या निकल जाएगी, 1.2, ये होगा 0.3 प्लस ये हमारे पास क्या होगा, 0.1, और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम हमारे पास 9 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 0.3 प्लस 0.9 जो कि हमारे पास में इक्वल टू होगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। 1.2 के इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी, और इस तरह से जो है हमारे पास में इस वाले जो इलेक्ट्रोलाइट थी उसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आपको आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।